सो दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों का फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों, जितना भी बाइक का रिचार्ज या विड्रॉल फंसा हुआ है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों का पैसा जो कि वापस मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कस्टमर केयर ने क्या बोला था मेरे साथ, ठीक है। तो मैंने आप लोगों की वजह से मैंने बात किया था कस्टमर केयर से, जो कि बहुत भाई लोग, जो मेरा फ्रेंड्स है, रेफरल है, वो लोग का रिचार्ज फंस रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, यह ठीक क्यों नहीं कर रहा? तो दोस्तों, कंपनी ने क्या बताया, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर कस्टमर सर्विस की यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद, तो दोस्तों ये देखो, अभी अभी 5 ही मिनट हुआ मैंने बात किया, यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर पहले रिचार्ज प्रॉब्लम बोला था, तो उसने बोला कांटेक्ट कर रहा है मेरे साथ कोई। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर मैंने बोला बहुत ज़्यादा रिचार्ज लोगों का 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है तो नहीं मिलता, माय रेफरल फैंस का मैसेज पे मैसेज आ रही है, तो ऐसा बोला था। वो बाद में उसने मेरे साथ कांटेक्ट किया, ठीक है। ऊपर में लिखा है रिप्लाई इन 1 मिनट, ठीक है। तो दोस्तों, 1 मिनट में रिप्लाई दिया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को साइड में स्क्रीनशॉट भी बढ़ा करके लगा दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा, सर माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, उसने बोला आप लोगों को, जिसका भी जितना भी पुराना रिचार्ज है, ठीक है, अगर आपको फंसा हुआ पैसा बैंक से काट हो गया तो आपको गेम में भी नहीं मिला, बैंक में नहीं मिला, तो उस बाइक लोगों के लिए यहाँ पर देखो क्या बताया, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर कस्टमर सर्विस से बात करने के लिए बोला, प्लीज़ अपने। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ के भी दिखा देता हूँ, यहाँ से पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, प्लीज़ अपने बैंक के कस्टमर सपोर्ट पर बात कीजिए, कॉल, मेल या चैट, ठीक है। तो कस्टमर सपोर्ट से बात करने के लिए बोला कॉल पे करो या मैसेज पे करो या चैट पे करो, ठीक है। तो ईमेल भी कर सकते हो। तो दोस्तों, करिए। और अगर बैंक आपको रिफंड देने करता है, अगर बैंक वाला आपको रिफंड नहीं देता, बोलता है ये काट हो गया हमारे बैंक से, आपका पेमेंट हो गया तो आपको वापस बैंक में नहीं मिलेगा, ऐसा बोल देता है, तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर लिखा है, करता है तो इस पेमेंट के एजेंट, ठीक है, चार्ज बैक फाइल कीजिए, ठीक है। इसको एक PDF में बनाइए और आप हमें चार्ज बैक रिजेक्शन का अप्रूव दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर वो लोग को देने के लिए बोला वही चैट वाला, ठीक है। सर, ट्रांजैक्शन डेट से 1 दिन पहले से भी तक की बैंक स्टेटमेंट PDF फॉर्मेट में पासवर्ड के साथ हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बैंक ने बोला, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैसे बोला, क्या बोला। तो दोस्तों, आप लोग को वैसे ही करना है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट एक ले लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला, आप लोगों का जिस तारीख से आपका पैसा कटा है, ठीक है, मान लो कल से कटा है, तो परसों के दिन से आज आगे जितना भी दिन गया, तो पूरा यहाँ पर स्टेटमेंट वो लोग को चाहिए, देना पड़ेगा PDF में, ठीक है। तो पासवर्ड के साथ देने के बाद आप लोगों को आपका फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों, कंपनी ने जो बताया मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पर कंपनी ने बोला आपका जो भी 2 प्रूफ चाहिए, ठीक है, आपका बैंक का स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, जिस तारीख को आपका पैसा कटा उस तारीख से 1 दिन पहले से आपका जो कि बैंक स्टेटमेंट आपको PDF में चाहिए, और दूसरा नंबर बैंक कस्टमर केयर से बात करते हुए जो बोलता है उसका प्रूफ PDF में बना के कस्टमर केयर को दे दो, तो उसने आपका पेमेंट जो कि चेक करेगा, करने के बाद आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बोला। तो दोस्तों, आप लोगों को अभी रिचार्ज जो फंस जाता है उसका मूल कारण क्या होता है? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, बैग आ जाते हो गेम पे। तो दोस्तों, देख सकते हो मैं आ गया। तो दोस्तों, ऐड कैश पे क्लिक कर दिया, करने के बाद 300 रुपये सिलेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर UPI आ रहा है। तो दोस्तों, इसी से अगर रिचार्ज हमेशा कर दो तो रिचार्ज नहीं फंसेगा। तो आप लोग रिचार्ज कैसे करते हो पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को करके जैसे दिखाता हूँ वैसे ही करो, रिचार्ज नहीं फंसेगा। तो मैंने UPI ए सेलेक्ट कर लिया और 300 रुपया कर लिया। तो ऐड बेस पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों, ऐड बेस पे जब
क्लिक कर दिया एड कैश पे, तो दोस्तों यहाँ पर देखो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लेने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा देखो। तो आप लोगों को यहाँ पर गलती करते हो, ठीक है, आप लोग यहाँ पर गलती करते हो, तो आपके पास फ़ोनपे पेटीएम जो भी है लेकिन मेरे पास भी है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को इधर क्लिक नहीं करना है, आप लोगों को आधार्स पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आधार पे क्लिक करोगे तो आपका जितना एप्लीकेशन है नीचे आ जाएगा, देखो मेरा नीचे आ चुका है। तो पेटीएम से करना चाहते हो तो पेटीएम पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मेरा पिन जब मारूंगा काला दिखाई देगा, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पिन मार देता हूँ 300 रुपये का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो कि पेटीएम का UPI पिन है वो मार दिया, मारने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोग मेरा पेड सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देखा मेरा पेट हो सक्सेसफुल हो गया। तो दोस्तों आप लोगों यहाँ पर जब तक सक्सेसफुल अपने आप बैग हो के नहीं दिखाता तो आप स्क्रीन पर टच मत करना, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर मेरा हो चुका है, तो अभी मैं चली जाती हूँ बैग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बैग आने पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा 300 रुपये यहाँ पर ऐड हो चुका है यहाँ पर, जो कि आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो। तो मेरा रिचार्ज नहीं फंसा, तो आप लोग भी अगर रिचार्ज करते हो तो इसी हिसाब से रिचार्ज करो, आपका रिचार्ज नहीं फंसेगा। और जो कस्टमर केयर ने बोला उसी तरीके को फॉलो करो, आपका जितना भी 50,000 30,000 10,000 जितना भी पुराना पेमेंट है तो आप लोगों को जैसे वो लोग बोला सेम टू सेम वैसे करो, करने के बाद आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा। जो बहुत भाई लोगों का जो कि कस्टमर जो डिमांड करते ये देखने के लिए वो देखने के लिए नहीं दे पाते, वो लोग का पेमेंट नहीं मिलता, अगर आप दे देते हो तो दोस्तों आपका पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरी ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं न्यू और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।